हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन गुरुकुल में। आज के इस वीडियो में हम कोई मेडिसिन के ऊपर बात नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम अपने एक साल के यूट्यूब अनुभव को आप लोगों के सामने शेयर करेंगे कि कैसे हमने एक साल के अंदर अपने इस यूट्यूब चैनल पर 1000 प्लस सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कैसे कम्प्लीट किया और चैनल मोनिटाइज कराने तक का सफ़र हमारा कैसा रहा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हमारे यूट्यूब चैनल को एक साल कम्प्लीट हो चुका है। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ इस दिन मेरे यूट्यूब चैनल को एक साल कंप्लीट हो चुका है। बात करें हमारा यूट्यूब पे आना कैसे हुआ, तो मेरा एक दोस्त है जीशान सिद्दीकी जिसका यूट्यूब चैनल बिजनेस फील्ड नाम से है। वह अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर मार्केट और बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारियाँ देता है। तो जब मुझे पता चला कि वह यूट्यूब पर काम करता है और हाल ही में उसका चैनल मोनेटाइज हुआ है और अब उसकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने भी उससे YouTube के बारे में काफ़ी जानकारी ली। तो मुझे भी पता चला कि YouTube पे वीडियो बनाकर हम पैसे कमा सकते हैं। और उसी दिन मुझे पहली बार पता चला था कि YouTube पे एक साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे भी कंप्लीट करने रहते हैं तभी हमारा चैनल मोनेटाइज होगा। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना हम भी YouTube पे वीडियो बनाया करें, और मेरे पास तो एक्सपीरियंस भी है मेडिसिन का। आप लोगों को बता दें कि मैं पिछले 4 सालों से मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने भी सोचा क्यों ना हम YouTube पे मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो बनाया करें जिससे मेरी भी जानकारी बढ़ेगी और लोगों को भी ज्ञान मिलेगा। फिर मैंने अपने दोस्त जीशान के साथ बैठ के अपना एक YouTube चैनल क्रिएट करवाया। हालांकि उस समय मुझे YouTube चैनल क्रिएट करना नहीं आता था, तो काफ़ी देर हम लोग नाम के ऊपर कन्फ्यूज थे कि क्या नाम रखा जाए YouTube का। और बाद में हमने अपने YouTube चैनल का मेडिसिन गुरुकुल नाम डिसाइड किया। और YouTube चैनल क्रिएट करने के बाद फिर मैं रेगुलरली अपनी वीडियो डालता रहा, लगातार अपना YouTube पे वीडियो अपलोड करता रहा, और देखते ही देखते मेरी एक वीडियो चल पड़ी। उस पे केमे व्यूज़ आ गए तो काफ़ी अच्छा लगा। केमे व्यूज़ आए तो थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़े, साथ ही वॉचिंग टाइम भी बढ़ने लगा। 1 से 2, 2 से 3 वीडियो मेरी केमे आने लगी, तो सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे, वॉचिंग टाइम भी बढ़ने लगा। शुरू में लगता था कि 4000 घंटे बहुत ज़्यादा है, ये कैसे कम्प्लीट होंगे एक साल के अंदर। देखते ही देखते एक साल से एक महीने पहले ही हमने 1700 प्लस सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कम्प्लीट कर लिया। जैसे ही मैंने 4000 घंटे का वॉचिंग टाइम कंप्लीट किया, मोनेटाइजेशन को अपील की और 48 घंटे के अंदर मेरे पास YouTube से मेल आ गई कि आपका चैनल मोनेटाइज हो चुका है और अब मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अपने यूट्यूबर दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि जो लोग YouTube पे वीडियो बनाने की सोच रहे हैं या फिर हाल ही में वीडियो बनाना स्टार्ट किए हैं, तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग बस रेगुलरली अपनी वीडियो बनाते रहिए और आप अपना वीडियो में 100% दीजिए और एक नीच पे काम करिए। आप भी जल्दी से ही YouTube पे ग्रो करेंगे, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करेंगे, 4000 घंटे भी, और आप भी अर्निंग कर पाएंगे। बाकी आपको YouTube से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो YouTube पे आप सर्च करिए, काफ़ी ज़्यादा वीडियो हैं, आपको YouTube पे ही YouTube का ज्ञान मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप सर्च करिए, YouTube पे काफ़ी वीडियो आएंगी, देखिए उसको सुधार करिए। मुझे भी कुछ नहीं आता था, एडिटिंग से लेके थंबनेल से लेके वीडियो शूट करना कैसे क्या सब कुछ YouTube से ही सीखा। तो आप लोग भी YouTube पे देखिए, बस आप रेगुलरली वीडियो बनाते रहिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमको इतना सपोर्ट करने के लिए, और आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। आपको हमारे इस चैनल पर मेडिसिन से रिव्यू और हेल्थ से जुड़ी अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। धन्यवाद।